मेरे कपड़ों की पैकिंग कर ली है और इस बैग में एक तरफ मेरे कुछ एक्सेसरीज रखे हुए हैं, दूसरी तरफ ये पूरा खाने का भंडार रखा हुआ है। दिस इज ऑल रेडी टू ईट स्टफ। अगर अब कहीं आइलैंड पे भी जाए तो भी सर्वाइव कर सके, इतना तो इसमें रख ही लिया है। टॉकिंग अबाउट दी एयरपोर्ट, लोग शॉर्ट पहना है फ्रॉम द लिंक रोड, जो जीन्स है वो न्यूमी की है एंड आई वॉन्टेड टू बी सुपर कम्फर्टेबल वाइल ट्रैवलिंग, सो दिस इज माई आउटफिट। फॉर नेक्स्ट 7 डेज यही हमारा घर है। हम लोग होटल चेंज नहीं कर रहे एंड इसीलिए वी स्टार्टेड अनपैकिंग आर थिंग्स। सच बोलूँ, इस जगह मैं होती तो अब तक सो चुकी होती, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। उनको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज चाहिए, सो आते ही हम लोग काम पे लग गए। तो हमारा इवनिंग का प्लान था कि हम लोग दाऊ क्रूज़ के लिए जाएंगे, दाऊ क्रूज़ मरीना। सो यहाँ पे दो तरीके की क्रूज़ होती है, एक क्रीक जहाँ पे आपको ओल्ड दुबई बताया जाता है एंड एक मरीना जहाँ पे आप जो न्यू दुबई है वो देखते हो। सो वी चोज़ मरीना। फॉर दिस मैंने ये ड्रेस पिक की है, नीचे मैंने स्टॉकिंग्स पहना है, एक्सेसरीज सारी मैंने गोल्डन रखी है। ऑल्सो ये ड्रेस में भी थोड़ा सा शाइन है, तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसमें भी थोड़ा गोल्डन जो है वो चमकता है। सो आई थिंक दिस वॉज दी परफेक्ट आउटफिट फॉर मी। ये बीच इतना क्लीन था, बहुत मज़ा आया इसको देख के। मैंने हस्बैंड को फाइनली अग्री किया कि वो मेरे साथ एक रील बनाए, तो ये वही चल रहा है। हम बहुत मज़ा किया यहाँ पे एंड उसके बाद हम गए दुबई मॉल एंड आई अगेन चेंज माई आउटफिट। तो हैक कह लो या फिर आई एम दिस वे कह लो, तो इवन इफ़ वी आर आउटसाइड मैं क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े ले लेती हूँ अपने साथ एंड जहाँ पे भी मुझे वॉशरूम दिखा लगा चेंज करने लायक है वहाँ पे मैं चेंज कर लेती हूँ। लास्ट नाइट हमारे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, वी थॉट दैट हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। शाम को हमारा डेजर्ट सफारी का प्लान था, तो वी रेस्टेड द होल डे। अच्छा, हमारे पैकेज में ना कैमल राइड
इंक्लूड था एंड कैमल राइड पे लिटरली ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ 4-5 कदम ये लोग कैमल को चलाते हैं। वॉच द फेमस बेली डांस शो, और हमारा जो खाना था इसमें इंक्लूडेड था, सो वी एंजॉयड आवर डिनर एज वेल। हमने डिसाइड किया हम पूल साइड पे जाएंगे, हम थोड़ी सी फोटोग्राफी वगैरह कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, इट्स नेवर एवर 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 गोना हैपन, आई डोंट थिंक सो, नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो। तो वी वेटेड कि थोड़ा सा यू नो शाम हो जाए एंड उसके बाद हम थोड़ा घूमने जाएं, सो वी वेंट टू मीना बाजार। हम लोग यहाँ पे आए थे मेरे हस्बैंड के लिए फोन लेने। नेक्स्ट हम लोग अलसिफ विलेज गए। सो ये दुबई का जो है वो ओल्ड एरिया है, जो ओल्ड दुबई है वो इस तरीके से दिखता था। एंड सच कहूँ तो इसकी अपनी एक ब्यूटी थी। आप अगर दुबई विजिट कर रहे हो देन डोंट मिस आउट ऑन दिस प्लेस। एंड यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। अब इतना ज़्यादा घूमकर हम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने फिर से अपनी मेट्रो पकड़ी और चल दिए अपने घर। घर आई मीन होटल। एंड देन वी मेड दिस वेरी इम्प्रॉप्टू प्लान ऑफ विजिटिंग द व्यू पाम। मज़ा ये था कि व्यू पाम पहुँचने के लिए हमने सोचा कि हम जो है लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए हमें 2 मेट्रो स्टेशन चेंज करना पड़ा। उसके बाद ली दुबई ट्रैम एंड उसके बाद हमने किया मोनोरेल से सफ़र। इन डेस्टिनेशन से ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग में बड़ा मज़ा आया। सच में अगर आपको एक सिटी का एक कंट्री का फील लेना है ना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड यू नो ट्राई टू वॉक अराउंड लोकली। तो मुझे बड़ा मज़ा आया दैट यू नो वी मेड दिस प्लान एंड एंड में वी पहुंचे द व्यू पाम एंड द व्यू वाज एक्चुअली वेरी स्पेक्टेक्युलर। क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे दुबई के न्यू टाउन में, वी डिसाइडेड कि हम यहाँ से JBR बीच जाएंगे।
आई अगेन चेंज माई आउटफिट. मैंने ये बहुत ही कैजुअल सा टी शर्ट पहना है, उसके नीचे शॉर्ट्स पहना है. आई थिंक दिस वॉज ओके फॉर द बीच. एक बात तो है, यहाँ के बीचेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड द व्यू इज एक्चुअली वेरी वेरी स्पेक्टेकुलर. सिक्स हमारा था अबू धाबी सिटी टूर. मैंने चूज़ किया ये कॉर्सेट, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया है. नाउ क्योंकि मैं आज मंदिर और मॉस्क दोनों जाने वाली थी, आई थॉट के थोड़ा सा लुक को जो है डिसेंट रखते हैं. फर्स्ट हम लोग पहुँचे स्वामीनारायण मंदिर, जो कि अभी रिसेंटली बनाया हुआ है. काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर विजिट करके. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मॉस्क, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इसके देखने के लिए. एंड ओ माय गॉड, इट इज़ सच अ ब्यूटी. बहुत सुंदर है इसकी इमारत, हर एक चीज़ बहुत सुंदर बनाई गई है. एंड काफ़ी सुकून देने वाला प्लेस है ये. इट वॉज़ अ डिवाइन फीलिंग. उसके बाद हमने फिर से आजू बाजू के नज़ारे देखे. बिकॉज ये सिटी टूर था तो आपको गाड़ी में ही बैठ के जो है चीज़ें बताई जाती हैं. एंड द फाइनल डेस्टिनेशन वॉज फरारी वर्ल्ड. डे सेवन एंड अ लास्ट डे इन दुबई. सो हम लोग ने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि थोड़ा बहुत शॉपिंग बाकी था फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए. तो वी वेंट टू दिस नियर बाय शॉप. अब यहाँ पे दुबई में ना आपको ये डे टू डे शॉप्स काफ़ी सारे मिलेंगे, जहाँ पे आपको गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे. जहाँ पे रह रहे हो आई एम श्योर उस लोकेशन के 500 मीटर्स में आपको एक शॉप तो ऐसा दिख ही जाएगा. सो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी वहाँ पे, फिर से हमारे होटल में आए एंड वी एंजॉयड दिस नाइस थाली. उसके बाद हमारी गाड़ी आई पिक करने के लिए हमें, एंड वी वेंट टू म्यूजियम ऑफ फ्यूचर. द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर इन इटसेल्फ वाज सच अ ग्रेट विजिट. यहाँ पे आपको 2071 में वर्ल्ड कैसा होगा, दुबई कैसा होगा बताया गया है. काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सिटीज दिखाई गई है, थोड़ा सा साइंस दिखाया है. एक मुझे बड़ा पसंद आया, इट इज़ लाइक आप जो है स्पेस शटल में आपको बिठाया जाता है, ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाता है जैसे कि आप यू नो स्पेस में जा रहे हो. दैट वॉज अगेन वेरी फंटास्टिक एक्सपीरियंस. मुझे सजेस्ट करना होगा कि आप कौन सा प्लेस विजिट करना चाहिए. आई थिंक म्यूजियम ऑफ फ्यूचर इज वन ऑफ द थिंग्स यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस व्हेन इन दुबई. फाइनली थी हमारी फ्लाइट. सो वी वेंट टू द एयरपोर्ट एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आपको मेरे चेहरे से ही दिख रहा होगा. आई एम अगेन इन दिस कैजुअल टी शर्ट एंड वाइट जीन्स. और येस आई मीन आई सेड बाय टू दुबई. एंड सच कहूँ तो मुझे बड़ा भारी भारी सा फील हो रहा था घर जाने के लिए वापस. वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस. वी सेड गुड बाय एंड वी हैड लॉट ऑफ मेमोरीज, लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज सच अ ग्रेट विजिट.